टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वानी है। हाई स्कूल हंसवास है, यहाँ चार पोस्ट हैं लेकिन टीचर पांच है। जो है मुख्य अध्यापक है, आपने विजिट करवा लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। अध्यापक है वो, टीचर है ही नहीं पूरे स्कूल में। हंसावास में तो फालतू है जी, एक नहीं, चार टीचर पद नहीं चार सर, मैं ऑन रिकॉर्ड सारी नहीं, आपके पास जो भी टीजीटी के है जी, एक ESHM एक और PRT दो, चार है जी, पांच। मंत्री जी सदस्य जो बता रहे हैं कि वो खुद जाके आए हैं, मैं हर स्कूल में गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। मैंने इसकी 171 पद सिद्धि भर्ती के लिए हमने HSSC को भेजने की प्रक्रिया जल्दी हम कर देंगे। मेरे विधानसभा बाड़ा में कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, मैं पूरी डिटेल्स लेके आई हूँ। मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूँ जहाँ जहाँ बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वानी है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बाड़ा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है। दुधवा का है, इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है। गसोला में अंग्रेजी और SS दोनों। चांदवास, खोरड़ा, बलकरा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप की है ना अध्यक्ष जी, तब से कोई टीचर वहां नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खासकर हंसावास में तो एक भी टीचर नहीं है कि हमें खुद को ये बात कहते हुए इतनी शर्म आती है कि खुद की सरकार होने के बावजूद भी और स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप टीचर्स हमें कब तक दे दोगे, थोड़ा सा बताने का काम कर दो। सर मैंने एक एक स्कूल विजिट किया, एक एक अरे एक बारी भी नहीं, मैं दो दो बार गई हूँ। हंसावास कला जो है उसका तो सुबह से लेकर शाम तक लॉक किया है गांव के लोगों ने, बाहर बैठ के। मैं खुद जाके SDM को जाके खुलवा के आई हूँ। अगर माननीय सदस्य की बात सही है और अगर ये जानकारी गलत है तो निश्चित तौर से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। और जहाँ तक ये जो मास्टरों की कमी का विषय है, ये जनरल विषय है। मेरा अनुरोध है कि जहाँ से प्रश्न लगे उसका नहीं, बाकी जगह भी टीचर की कमी है, ओवरऑल कमी है, उसको जरा रिमेडी करवा दो। मैं उसकी भी एक मिनट मैं उसकी जानकारी देता हूँ। ठीक है, अभय सिंह जी ने जो बात कही वो बड़ी जेन्युइन बात है। नहीं, उन्होंने कहा इंक्वायरी कराई। देखिए हमारे पास 573 पद जो है वो प्रिंसिपल के खाली है। प्रिंसिपल के पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, प्रमोशन के लिए केस विभाग के द्वारा मांग ली गई। 302 पद जो है हेडमास्टर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, प्रमोशन के केस हमने विभाग ने मांग ली। और दूसरे PGT के हमारे पास 8567 जो पद है वो रिक्त है। 3863 पद शेष हरियाणा और 666 पद मेवात के लिए। HPSC के को हमने भेज दिया है भर्ती के लिए। और 877 पद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने भरने के लिए भेज दिए, शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। दूसरा हमारे पास है ESHM के, इसके हमारे पास 730 जो पद है हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि जो अभी मर्ज किए स्कूल तो उसकी वजह से, क्योंकि 8वीं के हेडमास्टर थे ये, वो मैंने उसमें ले लिए। और दूसरा TGT के जो है वो 17910 पद जो है हमारे पास खाली हैं, जिसमें हमने TGT के अध्यापकों के चयन नियम 2012 में संशोधन के बाद 7471 पद सिद्धि भर्ती के लिए हमने HSSC को भेजने की प्रक्रिया जल्दी हम कर देंगे और ये जल्दी नियुक्त हो जाएंगे। और 5624 पद जो है वो कौशल रोजगार के माध्यम से भरने के लिए हमने भेज दिए, शेष पद जो है हमारे प्रमोशन के द्वारा हम इसको भरने का काम करेंगे। इसके बाद PRT है, PRT के 861 पद की हमारे पास है, लेकिन 1483 PRT पद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर कर दिया, जल्दी उनकी हम भर्ती कर देंगे वो सारे पूरे।